कलयुग को सभी युग में से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है और ऐसा किसने बताया, और कलयुग में सबसे बलवान व्यक्ति किसको माना जाएगा। लेकिन क्या आप जानते कि कलयुग में महाभारत जैसा एक और महायुद्ध भी होने वाला है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में समय के कालखंडों को चार युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे शापित युग कहा गया है। कहा तो ये भी जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, हमारे समाज की हालत बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन समय में एक ऐसे महर्षि भी हुए जिन्होंने कलयुग को सभी युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया। दोस्तों, कौन थे वो महर्षि, क्यों उन्होंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग बताया और उनके ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था? तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम जिस महर्षि की बात कर रहे हैं उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। उन्होंने ही कलयुग को सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है, कोई सतयुग, कोई त्रेता तो कोई द्वापर को श्रेष्ठ बता रहा था। जिसके बाद सभी ऋषिगणों ने मिलकर समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास गए। जब सभी ऋषिगण महर्षि वेदव्यास की कुटिया के समीप पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास जी गंगा में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे। कुछ समय बाद महर्षि व्यास ध्यान से उठकर जल में खड़े हो गए और फिर उन्होंने जल में डुबकी मारी और ऊपर आने पर युगों में कलयुग, वर्ण में शुद्ध और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है, ऐसा झपने लगे। महर्षि को ऐसा करते हुए देख यहाँ ऋषिगण कुछ समझ पाते उससे पहले ही व्यास जी फिर डुबकी मारते और ऊपर आकर कहने लगे, शुद्ध तुम श्रेष्ठ हो और तुम ही धन्य हो। अब सभी ऋषिगण एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे और महर्षि व्यास के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित होकर आपस में बात करते हुए कहने लगे कि अब तक तो हम लोगों ने सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ये कौन सा मंत्र जाप रहे। सर्वे ऋषि इसी पर सोच विचार कर रहे थे, तभी व्यास जी नदी से बाहर निकलकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं और बाद में ऋषिगण भी उसके पीछे कुटिया में चले जाते हैं। और ऋषियों ने कहा, महर्षि, हम आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आए थे, लेकिन आप नदी में डुबकी लगाते समय इस मंत्र का जाप कर रहे थे। उस मंत्र ने हम सभी को आश्चर्य में डाल दिया है कि आखिर कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, कृपया करके आप इसका जवाब दे। ऋषियों की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे ऋषिगण, इसमें असमंजस की बात क्या है, मैंने जो भी कहा सत्य कहा। मनुष्य को जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक कठोर जप तप करने से मिलता है, वही फल मनुष्य को त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 महीने और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जो फल सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मनुष्य प्रभु के भक्ति और कीर्तन मात्र से प्राप्त कर लेगा। दरअसल कलयुग को ये वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण सुनिश्चित है, उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसी वजह से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। इतना सुनने के बाद सभी ऋषिगण आगे वेदव्यास जी से कहते हैं, महर्षि, आपने नदी में दूसरी डुबकी लगाते कहा था कि कलयुग में शुद्ध श्रेष्ठ है, आखिर ये संभव कैसे है, समाज का सबसे निम्न वर्ण श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। इस पर वेदव्यास जी कहते हैं, पहले ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जिसके बाद वे अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहते हुए वेद शास्त्रों एवं मंत्रों का अध्ययन करते थे और इसके बाद ही वे अन्य वर्णों को मार्गदर्शन के लिए उन्हें धर्म ज्ञान देते थे। इस तरह से प्रत्येक ब्राह्मण अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उच्च पद को प्राप्त होते थे, लेकिन कलयुग में ब्राह्मणों में ये सभी गुण देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए वे सभी उच्च पद को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन शुद्ध में पहले से ही ब्रह्मचर्य और शास्त्रों के अध्ययन का नियम लागू नहीं होता आ रहा है, इसीलिए कलयुग में जो शुद्ध होंगे वे अपनी सेवा भाव के बल पर उच्च पद को अर्जित कर लेंगे, इसीलिए मैंने शुद्ध को कलयुग में सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा। दोस्तों, कथा के अनुसार व्यास जी यही नहीं रुके, वे आगे कहते हैं, जो पुरुष कलयुग में अपने गुण रूपी जल से अपने समस्त दोषों को धो डालेगा, वो पुरुष कलयुग में श्रेष्ठ पुरुष कहलाएगा। इसीलिए हे मुनिगण, कलयुग वासियों के लिए ये मेरी सलाह है कि अगर वे अपने जीवन को सफल और सुखी बनाना चाहते हैं, तो सदा श्री कृष्ण रूपी हरि नाम का जाप करें। अगर वे ऐसा करते हैं, तो कलयुग के बाद यानी अपनी मृत्यु के बाद वे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करेंगे। इन सभी बातों को कहने के बाद महर्षि व्यास जी सभी ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनिवर,
मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। इसीलिए अब आप बताएं कि आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ। इस पर सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे महर्षि, हम यहाँ आज इस शंका को लेकर आपके पास आए थे, वो आपकी कृपा से अब दूर हो गई है। ऋषियों के मुख से ये बात सुनकर व्यास जी अब मुस्कुराने लगते हैं।